39 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में एक ही आकृति और एक ही साइज के 30 कार्ड है जिनपे 1 से 30 तक लिखा है, यानी कि S बराबर यहाँ दिया है 1 से लेके 30 तक, 1, 2, 3 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे, ठीक। यानी कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है, तो उसकी संख्या है आपके पास 30, ठीक है। कह रहा है कि आगे चल के थैले में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला गया है, तब निकाले गए कार्ड की संख्या 3 से विभाजन नहीं होने की, 3 से भाग लगने वाला 3 का गुणज होगा ना, और 3 से भाग नहीं लगने वाला आपको निकालना है, तो 3 से भाग लगने वाला 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे 10 गो होंगे, 3 से लेकर 30, 1 से लेकर 30 तक में 10 गो होंगे, और भाग नहीं लगने वाले का निकालना, तो भाग नहीं लगने वाला हो जाएगा कितना, यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाएगा PE बराबर, यहाँ से यही ना फॉर्मूला लगाइएगा, तो टोटल कितने हैं, तो टोटल 30 कार्ड में से 10 भाग लगने वाले हैं, तो भाग नहीं लगने वाले 20 हो जाएंगे, और 20 बटा कुल 30, यानी 0-0 कार्ड दीजिए 2/3। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, PE एक घटना है जिसकी प्रायिकता 0.08 दिया है, ठीक है, तो E नहीं की प्रायिकता, तो आपको बताया है कि किसी घटना की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता का योग जो होता है वो 1 होता है, होता है ना ये 1। चलिए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे है 0.08 प्लस PE डैश यानी E नहीं होने की, चलिए इधर जाके घटा देंगे, तो PE डैश बराबर आ जाएगा 1 - 0.08, यानी घटाइएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो घटाने पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0.92, समझ गए। चलिए इसका थर्ड नंबर